हो सकता है शिकार खतरनाक हो, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ महाराज, इस ओर से कोई ध्वनि सुनाई दे रही है। वैसे महाराज, आप तो सप्तमेरी बाढ़ के जाता है, ध्वनि सुनकर लक्ष्य भेद सकते हैं। हाँ मंत्री जी, आपने सही याद दिलाया। क्यों ना मैं इसका उपयोग अभी करूं? हाँ हाँ महाराज, हमें भी ऐसा लगता है कि यह उचित समय है। तो ठीक है, मैं इसका प्रयोग अभी करता हूं। महाराज, यह तो किसी के रोने की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है आज को सब कुछ अलग हो जाएगा। चलो हम चलकर देखते हैं। ये है महाराज, कहीं कुछ अनुचित तो नहीं हो गया? ठीक है महाराज, चलिए चलकर देखते हैं।
महाराज
महाराज जाओ समझने। अब हमें चलकर सरोवर के माता पिता को जल पिलाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। अब मेरे अलावा उनका इस संसार में कोई नहीं है। अब मुझे सरोवर की जगह लेकर उसके माता पिता की सेवा करनी है और मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ महाराज आप सत्य करते हैं और हमें शीघ्र चलना चाहिए। चलो देर ना करो आओ समझ में। बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं एकता रामिला पटेल के कलाकार प्रदर्शन के रूप में है। ठीक है चलो सुमन जी उस ओर चलो उसके माता पिता है। हाँ हाँ महाराज चलिए चलकर देखते हैं। बेटा श्रवण तुम आ गए। माता जी पिताजी यह जल पीजिए। कौन कौन हो भाई? यह तो हमारे बेटे श्रवण की आवाज नहीं है भाई। कौन हो? हाँ, अब मैं क्या करूं क्या कहूं इनसे। लेकिन लेकिन दशरथ कभी झूठ नहीं बोलता। अरे भाई बोलते क्यों नहीं बताओ ना बताओ कौन हो भाई। पिताजी आपसे आप ही मुझे अपना श्रवण समझिए। कैसी पहेली बुझा रहे हो भाई? हमारा मन बहुत भयभीत हो रहा है। तुम शिखर हमें बताओ कि तुम कौन हो। यह सारा अपराध मैंने किया है। इसके लिए कोई क्षमा तो नहीं है। परंतु मुझे बताना ही होगा कि मैं शर्मन नहीं कोई और हूं। आज अब इनको सत्य बता देता हूं। हे माता जी हे पिताजी मैं श्रवण नहीं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। नहीं पिताजी आप मेरे चरण ना पड़िए। राजन अपने अपने पुत्र को जन लेने भेजा था किंतु अब आप आए हो। बताओ अभी शीघ्र बतलाओ यूं हम अंधों से इस प्रकार ठिठोली ना करो। अभी शीघ्र बतलाओ राजन। पिताजी माता जी कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका भागा श्रवण आपका प्यारा श्रवण। क्या हुआ मेरे श्रवण को? अति शीघ्र बोलो राजन जल्दी बदलाओ राजन। मेरा मन बैठा जा रहा है। क्या बात है राजन बदलाओ जल्दी। राजन बोल रहे हैं राजन अति शीघ्र बदलाओ। कैसे कहूं इनका अपराधी मैं ही हूं। कैसे कहूं परंतु सत्य तो बताना ही पड़ेगा कि इनका अपराधी ये राजा दशरथ ही है। हे पिताजी हे माता जी आपका पुत्र श्रवण मेरे हाथों से मारा गया।
स्वामी कुछ बोलते क्यों नहीं हो? स्वामी
माता जी आप पहले जल ग्रहण कीजिए। हे राजन इस पक्का मेरे पुत्र और तेरे पति की लाश पड़ी है और इनका क्रियादत करने वाला कौन है यहाँ का तुम्हें पुत्र होता हुए तेरा क्रियादत करने वाला भी कोई नहीं होगा राजन यह क्या हो गया सुमन जी मेरे हाथों द्वारा तीसरी हत्या भी हो गई यह कलंक का टीका क्या मेरे हाथों पे ही लगना था मेरे माथे पे ही कलंक का टीका लगना था क्या ऐसा क्या गुनाह किया मैंने कहिए सुमन जी महाराज आप धैर्य धारण कीजिए जो होना था सो तो हो गया नहीं नहीं सुमन जी यह श्रवण के माता पिता ने जो मुझे श्राप दिया है यह दोनों श्राप मुझे स्वीकार है अगर इनके श्राप से मुझे मुक्ति मिली है तो मैं इसमें संतुष्ट हूं और मैं इसको स्वीकार करता हूं कम से कम मुझे कर्मों की सजा तो मिली हे विदाता क्या यह घटना मेरे ही हाथों होनी थी मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे मिली हे विदाता मुझे क्षमा करना सुमन जी इनके क्रियाक्रम का प्रबंध करें ठीक है महाराज जैसी आपकी आज्ञा